बजे शाम का टाइम हो गया और 3:30 हो गए, 4 बजे जाना बच्चों को ट्यूशन, और आज है आंसू की सालगिरह भी, तो फोन आया था उसका कि उधर जाना है। तो वैसे तो प्रोग्राम शाम का है, जब बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे उसके बाद। तो पीयू रूही तो ट्यूशन जाएंगी, ये गधे राजा भी साथ में चलेंगे। जाता नहीं तुम ट्यूशन? नहीं, पापा के घर तो नहीं जाना अभी? जाना तो है पापा, लेकिन ट्यूशन नहीं जाना। पढ़ाई का तो तुझे बहुत सहम है भाई। तो पीयू का डैडी भी रेडी हो गया, अपनी टी शर्ट सी चेंज करी इन्होंने, क्योंकि तबीयत इनकी ठीक नहीं है इतनी। मैं कहा जब ये तो एक मिनट इस पर तो ये देखो या जो रस्सी है ना उस पर तो मैं तो जाऊंगी बाद में जी, जब पीयू के डैडी बाद में आएंगे लेने, अभी तो 2-3 घंटे। और पीयू रूही भी को भी भेज तैयारी होगी, अपनी जैकेट वगैरह जो भी कपड़े वगैरह पहने इनको पहना दिए, और बाद में मैं भी तैयार होके जाऊंगी। बाप बेटे दोनों ब्लू पीले पीले हो रहे, और पीयू भी पीली पीली हो रही। चलो जी, उसका लड़का सूट नहीं है मेरे पास, क्रीम कलर का बना देती, बना लगता मैं तो ना, बस बतेरा दे रहे हैं तो ना वही है। चलो जी, बच्चे जाने लग रहे, मैं भी देखूंगी पीछे कुछ एक अद्धा जो काम है वो कर लूंगी मैं। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने ना ये ग्रीन वाला सूट डाला, और इसी की मैचिंग की डाली है चूड़ियाँ ये वाली, और ये रेड स्वेटर डाला मैंने, यही था बाहर, बाकी मैंने रख दिया तो मैंने यही डाल लिया, अच्छा लग रहा है इसके साथ। और बाल तो मेरे बंधे हुए थे सुबह, बस थोड़ी सी कंघी कर ली ना मैं, थोड़ा सा चेंज सा कर लिया अपने आप से ही, और बिंदी थोड़ी सी बड़ी लगाई मैंने, क्योंकि रोज में तो चलिए लगाई लो जैसे भी कैसे भी, जब कहीं आओ जाओ तो थोड़ा सा अलग सा तो कुछ हो। और टाइम 5:30 हो गए, पीयू के डैडी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ, तो उन्हें शायद आने में, कहा तो उन्होंने कि आ लिया, पर वो आने में 15-20 मिनट लगा ही देते हैं, तो तब तक मैं सोच रही एक चाय पी लूँ मैं। तो जी मैं आ गई थी दुकान पे, और यहाँ से मैं सोच रही आंसू के लिए कुछ ले लूँ। आप सब भी बोल रहे थे कि दी वो आए थे तो उनको दुपट्टे पसंद आ रहे थे, वो एक दुपट्टा वो टंग रहा बाहर ना, उस पर मोर से बन रहे और आदमी से ना, तो मैं पीयू के डैडी को बोल रही थी, मैंने कहा दिखा दो मुझे एक अंदर दुपट्टा, उनका कुछ ढूंढ रहे वो ना, उनका कुछ काम। हाँ यही वाला तो ले, इस कोटी में भी लगा है, कोटी में कौन सी, इसी कोटी में आगे आगे, ये भी अच्छा लग रहा देखिए। नहीं नहीं कोटी में, उसमें बीच में आदमी औरत से थे भाई, एक तो वो मोर वाला तो बाहर टंग रहा, उन्हीं में ही तो नहीं टंग रहे बाहर, ये वाला ये तो मोर है, इस पे तो मुझे लगा आदमी औरत से थे उस पे, ये तो मोर वाला है। हाँ उस पे आदमी औरत थे, मोर वाला भी सुंदर लग रहा पर आदमी औरत भी इस पे, तो ये शायद, हाँ दिखाइए ये वाला ना, ये तो मुझे लगे इसके साथ भाई भाइयों, तो ये मोर वाला ज्यादा सही लग रहा, देखिए पीयू के डैडी कौन सा ठीक लग रहा, कौन सा ओढ़ियो कंधे से पड़ा लियो, अच्छा लग रहा मोर वाला भी, यही दे दो। और एक चीज मैं और लेती हूँ उसके लिए कुछ और, सुंदर लग रहा कलर भी, VIP सा है। अच्छा ये पिंक कलर के ना, इसने तो इसकी शो खराब कर दी भैया, पिंक ने तो चेंज कर दिया, ये कलर है वो भी 1, 2, 3, 4, 5 वो लास्ट वाला दिखाइयो भैया, ये वाला ना ना उधर वाला लास्ट, दोनों में सारों में ये पिंकी लगा रखा क्या उन्होंने, पिंकी पिंकी चेंज कर देंगे अगर किसी का कुछ नहीं, और ये गलत, ये आ गया ये लगा देंगे मस्टर्ड, नहीं ये तो हटा भी दो, अरे चलो लगा रहने दो, अगर जिसे रखना वो रख लेंगे, जिसे नहीं रखना, हाँ अच्छा लग रहा है वैसे तो कलर, ये आ यहां पे दो तीन कलर, ये मैरून वगैरह सारे इसी के ही कलर हैं, और ये पिस्ता सा ग्रीन भैया, ना ना पिस्ता ग्रीन सा ये वाला, ये अलग है, ये आप दिखा तो 5 ही रहे मुझे, 6 तीनों ही एक से बढ़ के एक लग रहे भैया जी, ये तो तीनों ही ले लूं क्या, तीनों ले लूं क्या, मैं क्या ड्रेस के साथ मैच कर करके पहन लिए, सुंदर लग रहा भैया, आर्टिकल अच्छा चल रहा है, कोई ना कोई मांग ही लेता है, हमारे बनेंगे 500 रुपए नेसेसरी है, अब पहले गिफ्ट रखते थे ना वहाँ पे, ये गिफ्ट ले लिया मैंने, अच्छा लग रहा ना दीदी, सुंदर इसकी जिप वगैरह चॉकलेट, क्या चॉकलेट कलर है दी है, वो ज्यादा ही चॉकलेट सी होगी उसकी, ज्यादा चटक मटक सी का ना होगी,
ये ऑफिस गोइंग वालों के लिए जाते हैं। हाँ ऑफिस तो मैं जा रोज डेली। कलर मैच करके ही ले लो ना, ये सही सा लग रहा मुझे तो। ब्लैक नहीं लेना भैया, ब्लैक नहीं लेना ना। तो फिर वो ले लो, एक ही है क्या ब्लैक वाला? ब्लैक ही है ना? हाँ ब्लैक ना, ब्लैक नहीं ना, वो ले लो। ये वाला ठीक लग रहा है। ये दोनों सेम ही है क्या भैया? अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है। ये वाला दे दो और देखियो। बस मुझे तो यही दिखे, अगर कुछ और ऐसा मुझे लगाइए। मैंने सोचा था मैं भी ले लूं, फिर मैंने सोचा नहीं, गिफ्ट वो उनके पास ही नहीं, गिफ्ट वाली कन्या भैया के पास। ये जीजा जी के लिए ले, सेम सेम कलर ठीक लग रहा, ये अच्छा लग रहा। चलो बच्चों का फोन आ लिया, फिर इसे पैकिंग कराऊंगी। वैसे तो ये भी रैपर में ही है, इसमें लिफाफे में इसी में पैक करके दे दूं ना, वो तो खोल लेंगे तो फिर भी है। वो दुपट्टा भी इसी में डाल दो ये अंदर। चलिए जी बच्चों का फोन आ लिए, कहीं बाहर की आ जाओ मम्मा, तो घर चलते हैं फिर। तो जी मैं आ गई हूँ उधर घर पे, आई गई बस, प्यू के डैडी दुकान पे ही काम कर रहे थे, तो मैं कहा चलो मैं पैदल चलती हूँ। उनको लग जाना था टाइम, और बच्चा तो परेशान है। जिंदगी के 16 साल बहुत हिम्मत के साथ बिताए आपने। हाँ तो वही तो कह रही, मुबारक हो जी। शायद सब तैयार होने लग रहे हैं यहाँ पे। तो जी आगे है और यहाँ पे ये लग रहे तैयार होने में। छोड़ दे भाई, हाथ छोड़ दे मेरा राजा। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। अच्छा प्यू दीदी स्टाइल बना रही है क्या? बस वहाँ दुकान पे लग गया टाइम, लग ही जाओ जब कुछ कराया फेमस मत हो ही जा। लो जी भाई सालगिरह मुबारक हो आपको। कोई नहीं, जब केक काटा है तो तब का तब। हैप्पी एनिवर्सरी। कैसा 16 साल हो गए ना? 16 साल हो गए। कह रही जीजा जी को, मैं 16 साल हिम्मत के साथ काट दिए आपने सारे। तो 15 साल तो मैंने भी काट दिए। अच्छा 15 साल इन्हें भी काट दिए, बताओ जी। मैं कह रही मैंने भी काट दिए 15 साल। चलो तैयार होने लग रही होगी। बस हो ही गई, अच्छे लग रहे हैं आप ऐसे। मुझे तो पता भी नहीं कैसा आया, कैसा प्रेम। चलो वही खोल लेंगे, पता नहीं मेरी पसंद का है। चलो वही खोल लेगा अब तो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल जवान आदमियों के डाल का केक है। इस बार बता कैसा आया मीना?
वनीला का भी स्ट्रॉबेरी ज्यादा लग रहा मैंने वो भी खाया नहीं स्ट्रॉबेरी पिंक कलर है ना फ्लावर का ये उड़ गया मेरा सुंदर तेरा करना कमाल है बलोरी अखा कभी सुहाग तो जी हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने के लिए सैनी डब्बे पे। वही हमारा जो फेवरेट है पीयू के डैडी गाड़ी पार्क करने लग रहे सारे आगे और बस अंदर जाके देखेंगे क्या ऑर्डर करना। वैसे तो हमारा वही रहता है इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी देख लेते हैं जो भी होगा। तो जी हम लोग आ गए हैं घर और टाइम हमारी घड़ी के हिसाब से पूरे 10 बज गए। तो हम लोग आगे खाया पिया खाना वगैरह खा के उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करके और हम सीधे इधर ही आ गए थे। तो हमारे फंक्शनों का आपको पता ही कितने हाई फाई होते हैं, बस उतना ही हाई फाई फैमिली के नॉर्मल फंक्शन होते हैं बस और क्या। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है जी सही में बताएं तो। और कल है सैटरडे, बच्चों की छुट्टी है क्योंकि पेपर चले हुए बच्चों के, तो इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं हम दो बिस्किट के पैकेट बड़े वाले, ये वाले मैं और प्योर डैडी नहीं ये कोकोनट वाला है ना वाले हाँ। है। ये वाले खाते हैं मैं और पीयू के डैडी बिस्किट, ये कोकोनट वाले और बच्चे खाते हैं और ये और वो अपने लेके जा रहे हैं अपने लेके निकल लिए ये ना ये लेके आए मैं कल खाऊंगी। अच्छा चॉकलेट भी है, चॉकलेट तो मैंने दो ये मुझे दी थी, इनमें तो एक मेरी होगी एक आपकी होगी फिर ये मुझे दोनों दे दो लड्डू गोपाल को दे बिस्किट वगैरह प्लेट में निकाल के दो ये ओरियो दे दियो प्लेट में निकाल के राजा। हाँ तो जी बस अब हम लोग भी लेटेंगे दूध वगैरह पियोगे इतनी सी देर में ना थक जा जैसे पता नहीं कहाँ जाके आए हैं ना ऐसे लगे ना। काम में इतना नहीं थकते हम जितने बैठे बैठे थक जा। ये पिन खोल लिए इसमें से, कल को बाल धो लिए बेटे, कल को शनिवार हो गया, कल तो छुट्टी है तेरी। हाँ। ये कैसे खुलेगी अंदर की साइड से खुलेगी इधर से यहाँ से ये खोलनी तुझे मुझे नहीं पता लगेगा चुप जगी है तेरे। अरे तो वही तो मैं कह रही चलो हो गई है भाई। चलो बेटे अब कपड़े चेंज करो अपने और लेटो फिर सुबह को उठ के घूमने जाइयो अपने डैडी के साथ थोड़ी बहुत देर के लिए। सुबह को जल्दी जाना क्या आपको सुबह में? हाँ मैं तो जल्दी जाऊंगा, ये हमारे उठने से पहले ही चल रहा है तो जल्दी उठ जाइए। दो दिन का मेरा उड़ना इतना प्रेशर वाला काम है दो दिन के बाद में फिर। चलो जी बस फिर आप लोग भी आशु और जिज्जा जी को विशेष देना कि वो जीवन सबका अच्छा ही गुजरे, हम तो यही कहते हैं भाई सबको जीवन अच्छा गुजरे टेंशन फ्री हो। उतार चढ़ाव सारे सभी के जीवन में आते रहते हैं, मेन ये है कि इन उतार चढ़ाव के बाद भी आप लोग में साथ में हैं तो वो बहुत बड़ी बात है।
तो जी चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। तो वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।